चलेगा सैंडी? चलेगा नहीं, दौड़ेगा। वो कैसे? तुम ये सब कुछ सिर्फ मुझ पर छोड़ दो। हाँ, पहले भी तुम पे जो भी छोड़ा है मसला ही हुआ है। मैंडी, काश इस दुनिया में कोई ऐसी चीज होती जिससे तुम्हारा मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाता। सैंडी, सच मर तो सकता है लेकिन दब नहीं सकता। अच्छा बकवास मत करो, जाओ जाकर अपना हुलिया सुधारो, तब तक मैं कुछ क्लाइंट्स अरेंज करती हूँ, जाओ। अच्छा, ये है ना सैंडी का कमाल, अब मैं कमाऊंगी पैसे। सैंडी, सैंडी, क्या है मैंडी? तुम्हारी किसी क्लाइंट से बात हुई? हुई है क्लाइंट से बात, और एक क्लाइंट तो अभी आ भी रही है। कौन? अब यार वो मिस आलिया खान, तुम्हें पता है बहुत ही अमीर है और पुरानी और एंटीक चीजों की तो वो शौकीन है। सैंडी, वो पुरानी और एंटीक चीजों की शौकीन है, दो नंबर चीजों की नहीं। तो हमारे पास जितनी भी चीजें हैं देखो वो सारी एंटीक ही हैं। कहाँ से? जहाँ जहाँ से कोई देखेगा एंटीक ही है। सैंडी, तुम कितनी ज्यादा मुतमईन और नौसरबाज हो। क्या? माइंड योर लैंग्वेज मैंडी, मैं तुम्हें नौसरबाज लगती हूँ? तुम लगती नहीं, तुम हो। अपनी बकवास बंद करो मैंडी, और खास तौर पर जब मेरे क्लाइंट्स आए हुए ना, अपनी जुबान को कंट्रोल में रखना। तेज से जितनी करवा लो काम, इससे कोई नहीं होता। आए मैडम, आए। आप आए, देखें यहाँ की एक एक चीज कितनी एंटीक है। मैडम ये देखें, बेड देखें, ये बेड बाबा कायदे आजम किस जमाने का है, और आपको पता है किसको लेने ही वाले थे, किसको कोई और ले गया। क्या आपको ये सब बेड ने बताया? अरे नहीं, इस बेड को बनाने वाले ने बताया। तो इसका मतलब वो अभी तक जिंदा है? जी। तो फिर सबसे एंटीक तो वो हुए ना। क्या मतलब, आपको वो चाहिए? अरे मैं तो वैसे ही बात कर रही थी। के बाद में तो मेरी जान निकाल दी थी। कुछ कहा आपने? नहीं नहीं, आप मैडम इधर आइए, आप ये देखें, ये खुशा देखें, आपको पता है ये किसका है? चमड़े का है। मेरा मतलब है किस शख्सियत का है? किसका है? ये गुस्सा फिल्म स्टार साइमा का है। हे, वाकई? जी वाकई। लेकिन इसकी हालत इतनी बुरी क्यों हुई है? आपको तो पता ही है कि हमारे फिल्म स्टार साइमा ने खेतों में कितनी शूटिंग, कितने गाने किए हैं। मैडम, जब खेत पर बात होगी तो इस गुस्से की क्या औकात? हाँ, आपकी बात समझ आ गई मुझे। ठीक है, ये भी मैं लूंगी। हाय, ओके, डन हो गया। मैडम, आप ये बॉल देखें। पाकिस्तानियों घबराना नहीं, ये किसका है? ये बॉल हमारे इमरान खान का है। लेकिन अब तो वो क्रिकेट नहीं खेलते। ये जब वो खेलते थे तब की है। आपको पता है 1992 में जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप मुसलसल हारा था, तब इमरान खान ने अपने एक फैन को ये साइन करके दी थी। अच्छा, हाँ, ये डायलॉग तो बहुत पुराना है। जी, काफी पुराना तो है, और आपको पता है इस डायलॉग से तो उनको मोटिवेशन मिलती है, और उस मोटिवेशन से भी कुछ ना कुछ तो कर ही जाते हैं। वाह, ये तो कमाल है, लेकिन आपके पास कैसे आई? मैडम, ये उस वक्त में मेरे दादाजी को उन्होंने साइन करके दी थी। ये तो कमाल हो गया, मैं ये भी लूंगी। वाह, कमाल हो गया। मैम, आपको कुछ पसंद आया? हाँ, मुझे ये बॉल और खुशा चाहिए। वाह मैम, आप तो बड़ी हीरा शनास खातून है, चीजें भी आपने वही पसंद की है जो आम लोगों की समझ से बाहर है। समझ से तो मेरी भी बाहर है, लेकिन ले ली। अच्छा, क्या प्राइस है इन दोनों की? मैम, आपको तो पता है ऐसी चीजें नायाब होती हैं और प्राइसलेस होती हैं। आपको जो समझ आए आप दे दें। अच्छा, फिर मैं इन दोनों का 100 रुपया दूंगी। जी, क्या हो गया, घबरा क्यों गई? मैंने तो मजाक ही है। शुक्र है, आप मजाक ही कर रही थी। हाँ, मुझे एंटीक चीजों की कीमत का अंदाजा है, आप लोगों को मैं मायूस नहीं करूंगी।
पाकिस्तानियों घबराना नहीं। जी बिल्कुल नहीं। वैसे मैंडी हमारे बिजनेस का आगाज तो बड़ा अच्छा हो गया। हाँ अल्लाह करे अच्छा ही रहे। वैसे मैंने देखा कि लोगों के पास कितने फजूल पैसे खर्च करने के लिए। हाँ वरना तो हमें कोई एक रुपया भी ना दे। थोड़े से पैसे हमें दे दे यार, हमारा भी कोई भला हो जाए। सैंडी वो अभी भी हमें ही दे रहे हैं। बेवकूफ, ये तो हमने अपनी चलाकी से निकाले। वरना तो हमें वाकई कोई एक रुपया भी ना दे। हाँ तो ना दे, अल्लाह ताला ने हमें दिमाग दिया, पैसा हम खुद कमाएंगे। काश पॉजिटिव दिया होता। अब मेरा मतलब मैंने कुछ गलत कहा सैंडी? अब तुमसे ना बहस फजूल है। अच्छा चलो तुम ये बताओ कि कोई न्यू क्लाइंट आ रही है? हाँ हुई है बात। मिसालिया ना उन्होंने कहा है वो अपनी एक फ्रेंड को भेजेंगी। चलो गुड हो गया। अच्छा सैंडी मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे कुछ खाना है। बहुत भूख लगी तो मुझे खा जाओ। नहीं हमारे मजहब में हराम खाना मना है। क्या क्या कहा तुमने? मेरा मतलब है इंसान इंसान को नहीं खा सकता ना सैंडी। मैंडी की बच्ची, मतलब तो तुम्हारा कुछ और ही था। अच्छा तुम अब बात की खाल मत उतारो ना सैंडी। खाल तो मैं तुम्हारी उतारूंगी मैंडी, तुम्हारी इतनी जुर्रत। तुमने आने के बाद मुझे ऐसे कहा ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा तो क्या होगा अब? तो कुछ नहीं होगा, मैंने क्या कर लेना है। तुम क्या कह रही थी, तुम्हें भूख लगी है ना? अच्छा ना कुछ खिला दो अच्छा सा। अच्छा सा खाना है ना, कुछ तो जहर खा लो। क्या मजाक करियो मैंडी, तुम बैठो मैं तुम्हारे लिए कुछ मजेदार सा खाने के लिए लेके आती हूँ। ठीक है? हाँ जाओ। ठीक है ओके। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। अरे अरे बेगम साहब ये आप क्या संभालती फिर रही हैं? साइमा का खुस्सा और इमरान खान की गेंद। पीछे रखिए ये खुस्सा और गेंद। ये आप कहाँ से उठा कर ले आई है? एंटीक शॉप से खरीद कर लाई हूँ मैं। चलो भाई मैं भी कहूँ कि मेरी कमाई कहाँ उड़ती फिरती जा रही है। आपको पता है कि मैं कितनी मुश्किल से पैसे कमाता हूँ? जानती हूँ मैं कितनी मुश्किल से कमाती हो तुम। बस 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 इससे आगे कुछ मत कहिएगा बेगम साहबा। बस आप ये बता दीजिए कि ये आप किन से लेकर? सैंडी मैंडी से। सैंडी मैंडी? कौन सैंडी मैंडी? जो है सैंडी मैंडी। ओहो भाई मैं यही तो पूछ रहा हूँ कौन है सैंडी मैंडी। तो ये कहीं वो वाली सैंडी मैंडी तो नहीं है? ये किन ख्यालों में खो गए आप? नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, बस आप हमें ये बता दीजिए कि ये आपकी सैंडी मैंडी होती कहाँ पे? इसी इलाके में घर है उनका। अच्छा तो यूं कहिए ना कि वो हमारी नाक के नीचे हमें लूट रही है और हमें खबर तक नहीं। अभी देखता हूँ मैं उनको। देखने से कुछ नहीं मिलना आपको। वो क्यों? क्योंकि वो मेरे से ज्यादा प्यारी नहीं है। हाँ भाई ये तो है, हमारी बीवी से प्यारा तो कोई हो ही नहीं सकता है ना। अब जी बेगम साहबा इन सब चीजों को संभाल के रखिएगा, वक्त आने पे इनकी जरूरत पड़ सकती है। हाय अल्लाह डाडा सोना है जी। डाडा सोना? ये कौन सा होता है? मेरा मतलब है कितना प्यारा है ये, हमारी सराइकी में कितना को डाडा कहते हैं। ओह अच्छा, किसका है जी ये? अम्मा का, मलिका जी। हम मैं बताती हूँ, इसका मतलब है कि मलिका नूर जहाँ के महल में जो काम वाली थी ना ये उसका है। फिर तो ये बहुत पुराना है जी। अब जी जी आपके और मेरे पैदा होने से बहुत पहले का। मैं तो अभी पैदा हुई हूँ जी, आपका पता नहीं। आप अभी पैदा हुई हैं? जी जी यही कोई 15-20 साल पहले। अब देखिए आप कब पैदा हुई या नहीं हुई हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमने तो अपनी चीजें बेचनी है। कितने का है जी ये? ये सिर्फ 10 लाख का। 10 लाख? आपको क्या हुआ जी? वही जो आपको हुआ है। मुझे तो शौक हुआ। मुझे भी, पर आपको क्यों? अब मैं आपको बताती हूँ, वो मैंने इस हार की बहुत कम कीमत आपको बताई है इसलिए इसको शौक हुआ है। 10 लाख कम है जी? इतने खूबसूरत हार के लिए तो बहुत कम है। कुछ कम करें जी। आपके लिए 100 रुपए कम कर देते हैं। बड़ा कम किया जी। बस
इससे ज्यादा कम में नहीं कर सकती, ये हार आगे ही बहुत महंगा है, तो आपने लेना तो ले मना रहे। नहीं नहीं नहीं, लेना तो है मुझे। तो कब? बस करो यार, पूरे 10 लाख का है। बस 10 लाख का? मैंने तो 20 लाख में दोनों चीजें खरीदी। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? तुम 20 लाख में सिर्फ एक गेंद और खुस्सा लेके आई, और मुझे देखो मैं 10 लाख में सोने का हार ले आई। तुम तो एक लालची औरत हो इसलिए, और मुझे पैसों की कोई कमी नहीं। तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो बातों बातों में। तुम्हें मैं सच बता रही हूँ कि मुझे नीचा दिखाने आई थी। पुत्र फरोख अली, ओए बच्चिया घर तो यही है, लेकिन इस दफा हमने इनको बड़ी समझदारी और होशियारी से मिलना है, और कोई ऐसा ना हो कि ये फिर हमारे हाथों से निकल जाए सैंडी मैंडी। सर जी अब आप फिक्र ही ना करें, इस बार तो मैं अपना शिकंजा टाइट करके आया हूँ, कहाँ जाएंगी बच्ची सैंडी मैंडी। ओए ओए हाथ हौला रखना, इतना टाइट भी नहीं करना कहीं तुझे ना गंद लग जाए। और सुन, ज्यादा ओवर एक्टिंग नहीं करनी, वही ना हो कहीं हम ही फड़े जाएं। ओके सर जी। ए हाथ हौला रखा कर, तेनू किन्नी बारी समझाने की कोशिश की थी, ये ना मुरादा ये ही ओवर एक्टिंग है। क्या हुआ सर जी? ओए पुत्रिए, ओए सिविल में कौन से लूट मारता है? अच्छा सर जी। ओए इस वक्त मैं तेरा सर नहीं हूँ, पर तेरा सुसर सुसर। सर जी मेरा मतलब यही। अच्छा सॉरी जी सोरा जी। फिर वही बात, ओए सर नहीं सौरा। अच्छा सौरा जी। चल लग अगे लग, ना मुराद ना होवे दे, इस दफा मरवाई ना मुझे। आए सर जी, आए आए। सर नहीं सुसर, ये मेरे सुसर हैं जी। ओ इसका मतलब है जी मैं इसका सुसर हूं ना जी, इसलिए। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा बताएं आप लोगों को क्या चाहिए? जी हमें यहाँ पे फर्नीचर चाहिए, अपने सर जैसा, मेरा मतलब मेरे ससुर जैसा। हाँ वो क्यों? वो क्यों के जी, वो मेरी ना वो शादी है ना जी। हाय रब्बा, आप इस उम्र में शादी कर रहे हैं? ओए उम्र को छोड़े जी, वो कहते हैं ना कि दिल होना चाहिए जवान ते उम्रा विच की रखे आ। आहा मजा आ रहा है ना। वैसे ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने। मैं तो जी हर बात सही कहता हूँ। नानी। हाँ सैंडी जी। आप दोनों सैंडी मैंडी हैं? जी। मगर कैसे? जैसे पहले थी वैसे। और वो जो आपसे पहले थी वो? अब वो भी हम ही थी। ओए कमलिया, ओ यहाँ फर्नीचर बिकता है, लड़कियां नहीं। क्या कह रहे ये? ओ कह रहा जी अगर इन दोनों में से कोई आपको पसंद है तो बात करूं, मैंने तो हाँ में सर फैला दिया है। ओ हेलो गधे नुमा इंसान, तेरा मुंह तोड़ दूंगी मैं। क्या कहो? ओए खबरदार है, ओए इतनी सोनी कुड़ियों से इस तरह बात करते हैं। ओ चले जी दफा करें इसको, आप मुझे फर्नीचर दिखाएं वो भी पुराना। आइए आइए आइए। आइए जी आइए, आप कहें तो हम ना आए, ये कैसे हो सकता है? ऊपर जी बुढ़ा बंदा हूँ, ऊपर कैसे जाऊंगा? शोरूम ऊपर बनाया है इसे। बनाया तो सही, आप ही ना प्यारा शोरूम। बाजी फिर पकड़ के ले जाएं, असहारा दे जी मुझे। सर जी, सर जी ये क्या था? ओए, इनकी हरकतें तो उन जैसी थी, मगर ये वो नहीं थी, नहीं थी वो। तो फिर सर ये कौन थी? ओ डरा ना मुझे, इनके घर के सामने कब्रिस्तान है, बाकी अगर उन्होंने रूप डाल लिया और चिरेले बन गए। सर जी ऐसी बातें ना करें, मेरा दिल बहुत कमजोर है सर जी। ऐसी बातें कर रहे हो, मेरा दिल तो तुमसे भी ज्यादा कमजोर है। तो फिर क्या करें सर जी? भागे। देखा कैसा बेवकूफ बनाया लोगों को,
हाथ देखा और दुआ करो अब सब कुछ नॉर्मल रहे। सब कुछ नॉर्मल ही रहेगा क्योंकि इस दफा मैंने पक्का काम किया। तुम कहती हर दफा यो मगर, अगर मगर को छोड़ो और ये पकड़ो अपना हिस्सा। देखकर तो तुम सब कुछ भूल जाती हो मैंडी, फौरन ना फरिश्ते से हैवान बन जाती हो। देखो पैसा चीज ही ऐसी है सैंडी। अच्छा मेरी बात सुनो, ये पैसे संभाल कर रख लेना, सुबह हमने कबाड़ी के पास जाना है नया सामान लेने के लिए, वहाँ पर यही पैसे इस्तेमाल करेंगे। मैं अकेली करूँगी, मार की हो रही हो, आधे आधे करेंगे। अच्छा ओके फिर ठीक है। अच्छा बस कर दो चलो। हाय क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मैं लुटी गई। हाय वे मैं लुटी गई। हाय मैं मर गई। कौन था वो मुझे बताओ। अभी मैं तुम्हारे भाई को फोन करती हूँ ताकि वो उसे पकड़े। हैं तुम क्या समझ रही हो? अच्छा तुम बता रही हो। मैं इसकी बात कर रही हूँ, ये नकली है। क्या? हाँ वो दोनों लड़कियाँ मुझे चूना लगा गई। मतलब मुझे भी चूना लग गया। अरे क्या हुआ तुम दोनों को? पहले से भी ज्यादा बुरे मुंह लग रहे हैं तुम्हारे। हम दोनों लुटी गए। शुक्र है। मेरा मतलब है किसने किया इतनी जुरत? सैंडी मैंडी ने। सैंडी मैंडी ने? क्या चीज है ये दोनों? चुड़ैले हैं, चुड़ैले। हाँ मुझे भी यही लगता है। जाबिर तुम दोनों को पकड़ो और जेल में डाल दो। अरे भाई उनको मैं कैसे जेल में डाल सकता हूँ, वो चुड़ैले हैं, वो मेरे सिपाहियों को खा जाएंगी। कैसी बातें कर रहे हैं भाई जान। खबरदार भाई कहा दो, बंदे की नजर खराब ही हो सकती है। मेरा मतलब मैं टीड़ा हूँ, टीड़ा। हाँ जाबिर तुम कुछ कर रहे हो या मैं खुद कुछ करूँ? ओहो बेगम साहबा कैसी बातें कर रही है, एक मिनट ठहरिए मुझे सोचने का मौका दीजिए। आ गया आइडिया, आ गया। अब वो कहीं नहीं जा सकती मुझसे बच के, क्योंकि मैं हूँ खान, इंस्पेक्टर खान, बन के आता हूँ तूफान तूफान तूफान। मैंडी आ भी जाओ, हर दफा लेट कर देती हो तुम। आ गई होगी, मैं तैयारी देखो। हर दफा ना मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से लेट होती हूँ। क्या करती हो तुम? सैंडी आज ही बस लेट हुई ना, कौन सा कयामत आ गई है? क्यामत आई नहीं, क्यामत आने वाली है। जल तू जलाल तू वाई बला को टाल तू, जल तू जलाल तू वाई बला को टाल तू। जरा इधर हटना। क्यों? मेरी फूंक वहां तक नहीं जा रही। अब आप लोग यहाँ? हाँ मगर क्यों? ये बताते हैं क्यों, पकड़ो अपने बोल और ये खुशा। जाबर खान, और मेरे जाबर खान। जी मेरी जान। आ जाओ। जी मेरी जान। जी जी मेरी जान। ये कांपना बंद करो और पकड़ो इन चुड़ैलों के गिरे बांध। नहीं मेरी जान, ये काम नहीं इतना आसान, क्योंकि ये नहीं है वो इंसान। जाबर खान। जी देखो चुड़ैलो, अपने आप को मेरे हवाले कर दो वरना मैं फूंक मार के भस्म कर दूंगा। हाँ। ये क्या आपने चुड़ैल चुड़ैल लगा के रखा हुआ है? हम दोनों सैंडी और मैंडी हैं। सैंडी मैंडी तो कोई और थी। वो कोई और नहीं थी, वो जाली थी, हम असली हैं। अच्छा है, तुम जो कोई भी हो, तुमने धोखा दिया है, तुम्हें जेल जाना होगा। क्या? जेल? जी जेल। देखे मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया इस सैंडी ने किया। ये कहाँ गई? वो तो चली गई। चली गई ये है तुम्हारा शोहर, इतना डरपोक। इसको तो मैं बाद में देख लूंगी, पहले इनसे तो पैसे निकलवाऊं। एक दिल जैसे अलग थला।
सैली है खफा खफा। सैली मैली, मैली सैली।